हेलो, सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल चाल है। अज थानू दिखाने हैं सबराल पुर्तगाल का एक पिंड विलेज ऑफ पुर्तगाल। काफ़ी पसंद आऊगा थानू। चलो चलते हैं, दिखाने हैं थानू सबराल पुर्तगाल का एक निक्का जिहा पिंड है। काफ़ी मशहूर है, काफ़ी देखने वाली जगह ने इत्थे। ते चलो जी, ये तुसी देख सकते हो कि जिथे मैं रहना उतों घर तो ये मेन सड़क निकलती है। नाल ही बच्चों का स्कूल जिथे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। काफ़ी वधिया पार्क वगैरह बनाई हुई है बाहर। ये अगे तुम देख सकते हो कि बिल्कुल साफ सुथरी सड़क है। तो नाल ही इन्हां दे स्कूल के सामने रिहायशां बनिया हुई ने। स्कूल तो बाहर रिहायशा के सामने बैठने वास्ते एक निक्की जी पार्क सी। तो हुण इह सीधी गली जा रही है अपना मेन जो इन्हां दा इगरेजा है, जो इन्हां दा चर्च है गोरियां दा, सबराल पिंड दा मेन। तो रास्ते बिच एक बूटा आया फलां दा। तो ये मेन गली जाएगी सीधी अंग्रेजे तक। ये है जो सामने अंग्रेजा तुसीं देख रहे हो चर्च है। ये चर्च बहुत ही पुराना है, तकरीबन अज तो 150-200 साल पुराना दसिया जाता है। काफ़ी सांभ संभाल की हुई है, ये बहुत वधिया बनाया हुआ। ये पिंड मेन चर्च है जो ब्याह शादी के कंसर्ट होंगे ने, धार्मिक वो इत्थे होंगे ने। तो चर्च के बिल्कुल ही सामने ये तुसी पार्क देख रहे हो, मेन बड़ी पार्क है। इत्थे ही जो फेस्टिवल वगैरह होंगे ने वो इत्थे ही होंगे ने। मेन जगह यही है जिथे मेला वगैरह इन्हों का लगना होंगे है। तो सामने आ गई है मेन सड़क जो सबराल पिंड के बिल्कुल विचाले है। इनू तुसी डाउन टाउन भी कह सकते हैं सबराल का। ये जो सामने एरिया देख रहे हो ये रेस्टोरेंट एरिया है। इत्थे तकरीबन रेस्टोरेंट वगैरह ने खाण दे काफ़ी मेन तो बहुत ही महंगा एरिया है, जिन्हों कह सकते हैं सबराल का मेन एरिया है। ज़्यादातर इतने रेस्टोरेंट ही मिलने, दुकाना घट रहे इतने। तो सड़क जो सीधी लिस्बोआ जाती है, ये सामने हैं रिहायशा के थले दुकाना, ये उस मेन रोड पर ने। तो सामने आ तुसी देख सकते हो ये है इतने का बस स्टैंड, बस अड्डा। अज बसा तो नहीं सन, पर इतने अज दुकाना लगिया हुई ने, मेला टाइप जहा। काफ़ी पुरानिया चीज़ा आइटम बेच रहे हैं गोरे, जो बहुत अज तो 80-100 साल पुरानिया ने, वह दुकाना ला के बैठे ने। कि बहुत पुरानिया घड़िया हुई एंटीक चीज़ा ने, एंटीक चीज़ा बारे दुकाना लगिया हुई ने, बेच रहे हैं उत्थे बस अड्डे ते। अपने पंजाब इंडिया वांगू ही दुकाना लाइया हुई ने। ये सामने आ गई इत्थे इन्हां दी सरकारी मार्केट, जिथे शनिवार ते ऐतवार दो दिन दुकाना लगदियां ने मेन फ्रैश फ्रूट दियां। ये वापस असीं आ गए हां जी उसे मेन सड़क ते। ते हुण असीं आ गए हां सुपर मार्केट कॉन्टीनेंट। ये कॉन्टीनेंट दी पार्किंग बहुत रश है अज भी, सवेर ती टाइम है। तो मैं जा रहा कॉन्टीनेंट शॉपिंग नहीं करनी है, वैसे कॉफ़ी पीन जा रहा हाँ। ये तुसी देख सकते हो काफ़ी वड्डी मार्केट है। ये जो उन्हां दा कॉफ़ी वाला ब्रेकफास्ट एरिया है, काफ़ी तरह दी आइटम केक वगैरह रखे हुए ने। आपां लई है कॉफ़ी, तो हुण कॉफ़ी पी के चलते बाहर। आपां जी आ गए हाँ कॉन्टीनेंट तो बाहर, मेन मार्केट तो बाहर। तो हुण आपां चलते हाँ मेन जो कि पार्क है। ये तुसी देख सकते हो सड़क है जो मेन है इत्थे दी। ये तुसी देख सकते हो रिहायशां, काफ़ी वधिया घर बनाए हुए ने। ये है कूड़ा चक्कण का एरिया,
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬੋਕਸਸ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਸਭਰਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਪਾਰਕ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਹੀ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਫਲੈਟ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫਾਈ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੌਨਸਰਟ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਝੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਰਿਆਲੀ ਪਾਰਕ, ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।